कंट्रोवर्सी हो गई है बिहार में, शायद इस फिल्म को बैन कर दिया है कंटेंट में ऐसा। कौन सी फिल्म? डर्टी पॉलिटिक्स। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है इस बात का। मुझे भी नहीं। नहीं नहीं, मैं जवाब बताएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी मुझे भी खबर मिली, किसी ने वहाँ केस किया है कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया, ना कोई बैन वैन का। जैसा आप जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही, मैं तो एक डेढ़ साल से जेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, और आई डोंट नो जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम फूटते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और कोई ऐसी है नहीं जो कंटेंट में आपने ऐसा रखा है जिससे बिहार में कुछ लोग। नहीं नहीं, वो ऐसे ही। अब देखो, आज हिंदुस्तान में ना सर, कौन किस कोने से किधर भी कर सकता है। अब जिस पिक्चर की हाइप होती ना, उसको लेके कुछ ना कुछ होता रहेगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो पता नहीं बोलते, वो तिरंगा साड़ी कोई फिल्म में सीन है नहीं तिरंगा साड़ी का। अब मुझे होगा, कल जाना पड़ेगा, मैं जाके सॉर्ट आउट कर दूँगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं खुद भी आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल मैन, आई नो माई ड्यूटी। मैं भी एक हिंदुस्तानी अच्छा नागरिक हूँ, मुझे अपने देश के प्रति और सब जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, ना किसी ने किया है। अब ये चल रहा है सर, ये सबसे ज़्यादा मुसीबत मुझे ही हो रही है। इधर से भाग के उधर जा रहा हूँ, उधर से भाग के, और जब तक रिलीज होगी, कल पिक्चर और सी डिलीवरी हो गई, हम लोगों की लैब से पूरा हिंदुस्तान डिलीवरी हो गया। बाकी ये सब पटाखे फूटते रहेंगे, मैं जलता रहूँगा।